क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आर्टिकल 4.3 मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वी विल नाउ कंसिडर इन ग्रेटर डिटेल्स द मोशन ऑफ अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव लर्न इन मैकेनिक्स दैट अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल डज वर्क इफ द फोर्स इज अ कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें हम एक चार्ज जब मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि जब एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है, कोई भी बॉडी इस पर फोर्स लग रहा है और ये बॉडी इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, इसके ऑपोजिट भी अगर मूव करती है, इसका डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट या इस डायरेक्शन में होता है, फोर्स के अलॉन्ग होगा, तब हम बोलेंगे कि जो फोर्स है उसने कुछ वर्क करा, तब फोर्स ने कुछ वर्क करा। इसके बाद इन द केस ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जबकि हम देख चुके हैं जब एक चार्ज पार्टिकल है और ये इसका जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी इस डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में ये मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनसाइड द प्लेन है, तो जो इसका इस पर जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो किस डायरेक्शन में होगा, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्रू रूल से। तो वो जो डायरेक्शन आएगी, हम कहाँ से जगह जाएंगे, वी से बी की तरफ जाएंगे और स्क्रू किस तरफ मूव होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फोर्स मैग्नेटिक फोर्स हमारा आ जाएगा। सो नो वर्क इज डन एंड नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज प्रोड्यूस। So no work is done and no change in the magnitude of the velocity produce। तो इसमें क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है हमारी, ये फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन ये है और जो वेलोसिटी है चार्ज मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, एफ एस कॉस 90 डेट इज़ ज़ीरो। तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल में कोई भी वर्क नहीं होगा। आगे देखते हैं इसे, नोटिस दैट दिस इज अनलाइक द फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई विच कैन हैव अ कॉम्पोनेंट पैरेलल और टू मोशन एंड दस कैन ट्रांसफर एनर्जी इन एडिशन टू मोमेंटम। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, अगर एक चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो या तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि जो फोर्स का मोशन होगा वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलॉन्ग द फोर्स की डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव करेगा, तो वहाँ वर्क डन कुछ ट्रांसफर करेगा एनर्जी इसके मोमेंटम में। अगर ये बॉडी मूव कर रही है, ये चार्ज पहले से मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इस पर भी एक एनर्जी ट्रांसफर होगी, इस पर भी वर्क डन होगा। वी शल कंसिडर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंसिडर अ केस ऑफ वी परपेंडिकुलर टू बी। अब हम सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल जिसमें वी बी के परपेंडिकुलर है, उस केस को देखते हैं। तो परपेंडिकुलर फोर्स क्यू वी क्रॉस बी एक्ट एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द पार्टिकल वी डिस्क्राइब अ सर्कल इफ वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर जो वेलोसिटी है मोशन चार्ज जो मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द पेपर है, ये क्रॉस जो बने हैं इनसाइड द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव कर रहा है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ
और जो फोर्स होगा कितना, ये फोर्स होगा ये क्यू वी क्रॉस बी। डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हम लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फोर्स इस चार्ज के परपेंडिकुलर है, तो ये एज अ इसको सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा, ये एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। और ये फोर्स एज एक्ट करेगा मैग्नीट्यूड में, अगर मैं देखूँ क्यू वी वी, तो ये एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा इस पार्टिकल के लिए, और इसको सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल मूव करने लगेगा। और जिसका रेडियस कितना होगा, आर रेडियस के सर्कल में ये चार्ज मूव करने लगेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। इफ वेलोसिटी हैज़ अ कॉम्पोनेंट अलॉन्ग बी, दिस कॉम्पोनेंट रिमेन्स अनचेंज एज द मोशन अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। द मोशन ऑफ इन अ मैग्नेटिक इन अ प्लेन परपेंडिकुलर बी इज एज बिफोर अ सर्कुलर वन, देयरफॉर प्रोड्यूस एन हेलिकल मोशन। इससे ये जो बात थी ये तब थी जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें परपेंडिकुलर, तब तक वो सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि इस डायरेक्शन में हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेट, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है एक इस डायरेक्शन में भी है, तो ये डायरेक्ट ये इसके बीच में वी और बी के बीच में एंगल जो है ज़ीरो है, तो साइन ज़ीरो में पता है कितना होगा, साइन ज़ीरो इज ज़ीरो। तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी का इन इफेक्ट, इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो फोर्स लगेगा वो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से लगेगा, जो एफ होगा वो ये वी और ये बी की वजह से होगा, जबकि ये कंटिन्यू करेगा इस वेलोसिटी के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता रहेगा। इसलिए इस पर एक तो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस कंपोनेंट वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से, और बी की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है जो उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि ये दूसरा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी पैरेलल, ये इसको क्या फॉरवर्ड मूव करा रहा है, और इसके कारण एक हेलिकल पाथ, इस तरह का पाथ क्रिएट हो रहा है। आगे देखते हैं, अब यू हैव ऑलरेडी लर्निंग अर्लियर क्लासेस दैट इफ द रेडियस आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल देन अ फोर्स ऑफ एम वी स्क्वायर आर एक्ट परपेंडिकुलर पार्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम देख चुके हैं जब एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगर ये आर रेडियस में मूव कर रहा है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें एम उसका पार्टिकल का मास है, वी उसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, और आर जिस रेडियस में वो मूव कर रहा है। इफ़ द वेलोसिटी वी इज़ परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी एंड एक्ट एज लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर है, जैसे कि पहले केस में था, तब जो फोर्स होगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, और यानी कि हम जो क्या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू वी भी था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि हम इस एम वी स्क्वायर को, हम इस एम वी स्क्वायर अप बाय आर को, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, या मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यू वी बी के इक्वल हम पुट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग द टू एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा मैंने भी आपको बताया एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यहाँ से हम आर की वैल्यू रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रेडियस आया वो एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी बी आ गया, यहाँ से वी की वैल्यू भी आ जाएगी, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्यू बी अप बाय एम वेलोसिटी, यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कैलकुलेट हो गया, रेडियस भी कैलकुलेट हो गया उस चार्ज पार्टिकल का। फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब बाय द चार्ज पार्टिकल,
द लार्जर इज द रेडियस एंड बिगर द सर्कल डिस्क्राइब। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा एम वी, ये मोमेंटम है हमारा, जितना ज़्यादा एम वी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेडियस होगा, उतना ही बड़ा वो सर्कल डिस्क्राइब करेगा, वो चार्ज पार्टिकल जितना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। इसके बाद इफ़ ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी देन वी इक्वल टू ओमेगा। और हमें ये रिलेशन पता है 11th क्लास से, जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन वी इक्वल टू ओमेगा होता है। तो ओमेगा क्या और ओमेगा हमें पता है 2π μ होता है, जिसमें म्यू फ्रिक्वेंसी होती है, 1 सेकंड में कितनी है रोटेशन कर रहा है या कितने रोटेशन कर रहा है। और तो यहाँ से जो म्यू आ जाएगा, और हमें पता है म्यू म्यू की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ, म्यू की वैल्यू इसको देखें, म्यू की वैल्यू म्यू इज इक्वल टू वी अप बाय आर होगा, और वी की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं फिर से करता हूँ, तो म्यू इज इक्वल टू वी आर है, और वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी आ जाएगा यहाँ से क्यू बी आर बाय एम, और एक आर ये भी आ जाएगा, तो एम आर, तो आर से आर कैंसिल हुआ, तो ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ गया क्यू वी बाय एम। तो ओमेगा क्या कैलकुलेट हुआ यहाँ से, क्यू वी बाय एम, जिसमें क्यू चार्ज है पार्टिकल का, वी मैग्नेटिक फील्ड और एम मास है। विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी और एनर्जी। और ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, वो वेलोसिटी इसमें से इंडिपेंडेंट है। हेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। द इंडिपेंडेंस ऑफ वी फ्रॉम एनर्जी हैज़ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन द डिज़ाइन ऑफ साइक्लोटोन। हम इसे देखेंगे कि जो म्यू का इंडिपेंडेंस है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उस पर ये डिपेंड नहीं कर रही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साइक्लोटोन में, जो हम आगे देखेंगे, आगे सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद द टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन इज टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। और हमें पता है जो एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम है, टाइम पीरियड, वो टी है, टी हमें पता है 2π/ओमेगा होता है, और ये है हमारा, और टू पाई ओमेगा था हमारा 2π μ, तो टी है हमारा टी 1/फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड जो है हमारा 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमें पता है। इसके बाद इफ देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल मेक द पार्टिकल मूव अलोंग द फील्ड एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल वुड बी हेलिकल। जैसा हम देख चुके हैं, अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के अलोंग है, तो वो उसको एक हेलिकल पाथ प्रोवाइड करेगा। द डिस्टेंस मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। और एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस मूव करा, इसे हम पिच बोलते हैं। तो पिच कैसे दिया जाएगा, पिच जो होगा वो डिस्टेंस, हमें पता है डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पिच क्या होगा, पिच भी डिस्टेंस है, वेलोसिटी, और कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट, जो पैरेलल कंपोनेंट है, जिस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट है, वी पैरेलल मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन रोटेशन, वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन। तो अब वी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो वी की वैल्यू अगर हम ऊपर से पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, यहाँ हम इसमें वी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने पे हमारा जो पिच आ जाएगा वो आ जाएगा 2π m वी पैरेलल बाय क्यू वी। हम इसमें टी की वैल्यू पुट करेंगे, एक्चुअली टी की वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं, टी की वैल्यू 1/μ, और 1/μ हमें पता है, 1/μ हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से ऊपर, तो पिच आ जाएगा हमारा 2π m वी पैरेलल बाय क्यू वी।
द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द हेलिक्स। और इसका रेडियस, इस सर्कुलर कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन का हम रेडियस ऑफ हेलिक्स कहेंगे।